तो आज हम लोग ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर वन ब्लॉक के सिवाय कुछ भी नहीं है और हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 30 डेज। लेट्स गो। और हमने थोड़े ब्लॉक्स तोड़े और उन्हें प्लेस करा। ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते यहाँ पर हमें अपना पहला चेस्ट मिलता है। ये ज़्यादा खास तो नहीं थी, लेकिन सीड्स जो थे बहुत काम के थे। और हमने जैसे ही चेस्ट तोड़ी, हमें एक पहली अपनी वुड मिली। उसके बाद हमने थोड़े से ब्लॉक तोड़े, हमें फिर से वुड मिली और हमने थोड़े से ब्लॉक्स प्लेस किए और इनको तोड़ते गए। कुछ देर तक हम सिर्फ यहीं करते रहे, ब्लॉक्स तोड़े और उन्हें प्लेस किया, क्योंकि हमें आइलैंड को बड़ा करना था और खूबसूरत भी बनाना था। और यहाँ पर हम अपनी सेफ्टी के लिए ये कुछ बनाने लग गए। वो तो आपको देखकर पता चलेगा कि क्या बना रहे थे। अभी ये इतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन जब हम इस पे स्लेब लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर हमने अपनी क्राफ्टिंग टेबल बनाई और बनाए थोड़े से स्लेब ताकि हम आइलैंड को बड़ा और ब्यूटीफुल बना सकें। और यहाँ पे हमें लगाने थे 6 डर्ट। 6 डर्ट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर साइड में स्लेब्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से। चलो तो हम जल्दी से इन्हें प्लेस कर देते हैं। ये साइड हमने कर दी थी कंप्लीट। और पता नहीं अब क्या हुआ, हम ब्लॉक्स तोड़ने लगे। और अब हम दूसरी साइड पर भी ये स्लेब्स लगाने लग गए ताकि दूसरी साइड भी कंप्लीट हो सके। तो हम फिर से यहाँ पे ब्लॉक्स तोड़ने वाले थे। यहाँ पर रात भी हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास सोने के लिए कोई बेड नहीं था। यहाँ पर मैंने ब्लॉक लगाया और ये तोड़ना फिर चालू कर दिए। यहाँ पे हमने ये ब्लॉक तोड़कर फाइनली स्लेब लगा लिया। तो हम यहाँ पर ब्लॉक्स तोड़ते गए। हमारे पास एक शीप थी तो बेड भी नहीं बन सकता था। और यहाँ पर दूसरी शीप भी आ जाती है, लेकिन ये अभी भी दो थी। मैंने थोड़े से आइलैंड पर स्लेब्स लगाए और यहाँ पर फिर से माइनिंग की थोड़ी सी। और फिर मैंने यहाँ से थोड़े से और स्लेब बनाए और इन्हें भी जाकर प्लेस कर दिया। और थोड़े से स्लेब लगाने के बाद हम फिर से आ गए माइनिंग करने, लेकिन हम बहुत बोर होने लगे थे। फिर हम चल इस गेम को छोड़कर चले गए बाहर सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते यहाँ पर सुबह भी होने ही वाली थी, तो हम वापस आ गए और यहाँ पर
हमने देखा कि हमारे पास एक पिग और दो शीप्स हैं, तो हमने फिर से इस साइड भी ऐसा ही किया, छह डर्ट लगाई और उसके बाद जो स्लेब लगाते हैं हम लोग, ऐसा चारों साइड पर हमें ऐसा ही करना है। हमारे पास लकड़ियों की बहुत ही कमी हो रही थी तो हमने थोड़ी सी माइनिंग की। और हमने ये स्लैब बनाए और हमें कंप्लीट करना है इसको अभी जल्दी से जल्दी। पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे हमारा बेड भी बन चुका था। और हम यही करते रहे, माइनिंग की और स्लेब बनाए और इन आइलैंड को बड़ा किया। किसी ने कुछ नहीं देखा। जब तक हम यहाँ पर माइनिंग कर रहे थे तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी मस्त मस्त वीडियोज आने वाली हैं। शुक्रिया। और यहाँ हमें फिर से एक चेस्ट मिलती है जिसमें वाटर बकेट और आइस ब्लॉक होता है, और उसके साथ साथ हमें सैपलिंग और सीड्स भी मिलती है। वाटर बकेट और आइस ब्लॉक का मतलब कि अब हमारे पास अनलिमिटेड वाटर सोर्स होगा। और यहाँ पर हमने सैपलिंग भी प्लांट कर दिया था, ओक का सैपलिंग, और यहाँ पर ये भी प्लांट हो चुका था। और फिर से हमने इसे जैसे ही तोड़ा तो आप लोग देखिए अंडरग्राउंड आ चुका था। और इसको तोड़ने के लिए हमें एक पिकेक्स चाहिए जो हमारे पास थी नहीं, लेकिन हम अभी बनाएंगे। तो चलो हम इसे बनाते हैं। तो एक पिकेक्स के लिए हमें स्टिक चाहिए होंगे और चाहिए होंगे ये प्लैंक्स, तो इसे बनाते हैं अभी। और ये रही हमारी पिकेक्स, इससे थोड़ा सा स्टोन तोड़ते हैं। हमारा लक बहुत अच्छा था लेकिन उसके साथ साथ बहुत बुरा भी था, क्योंकि हमने जैसे ही दो ब्लॉक्स तोड़े हमें आयरन तो मिला, लेकिन उसे तोड़ने के लिए हमारे पास पिकेक्स ही नहीं थी, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमारे पास स्टोन हो चुका था पिकेक्स बनाने के लिए, तो हमने यहाँ पे स्टोन की पिकेक्स बनाई और फिर से माइनिंग करने लग गए। यहाँ पे हमें फिर से आयरन मिला लेकिन उसे पकाने के लिए हमारे पास फर्नेस ही नहीं, तो हमने फिर से माइनिंग की फर्नेस बनाने के लिए। यहाँ पर हमें बहुत सारा आयरन मिल रहा था और यहाँ पर स्टोन भी बहुत हो चुके थे जिससे कि फर्नेस बन जाए। तो हमने एक फर्नेस बनाया, उसे प्लेस किया और यहाँ पर हमने आयरन स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया। अब इसे स्मेल्ट भी होने देते हैं और यहाँ पर रात हो चुकी है तो हम जल कर सोते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी रात अभी तक नहीं हुई थी लेकिन अब हो गई है। तो यहाँ पर मैं
सो लेता हूँ। और मैं यहाँ पर उठते ही अपना आयरन देखता हूँ तो वो अभी आधा पका हुआ होता है, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 आयरन हो चुका था जिससे कि एक पिकेक्स बन जाएगी, तो हमने एक पिकेक्स बनाई। सबसे पहले हमें स्टिक चाहिए होगी, तो स्टिक बनाने के बाद हमने एक पिकेक्स बनाई और इससे हमने थोड़ी सी माइनिंग की। और हमें यहाँ एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर ग्रास ब्लॉक और कोबवे होता है। और यहाँ पर हम फिर से माइनिंग करने लग जाते हैं। से चेस्ट मिलती है जिसके अंदर कोबवे पड़े। हम यहाँ पर इस चेस्ट को भी तोड़ देते हैं और फिर से यहाँ पर अपनी माइनिंग जारी रखते हैं। यहाँ पर हमने टॉर्चेस भी बनाई और पूरे आइलैंड में लगा दी और यहाँ पर पेड़ भी काटा। तो यहाँ हम पूरे पेड़ को तोड़ देते हैं ताकि हमें सैपलिंग मिल सके। यहाँ पर हमें बस एक सैपलिंग मिलती है जिसको हम उगाने के लिए वापस से लगा देते हैं। यहाँ पे फिर से हम इस आइलैंड को बड़ा करने पर लग जाते हैं। यहाँ पे द केव्स भी शुरू हो जाती है और उसका मतलब है कि यहाँ पे अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। तो हमने थोड़े से स्लेब्स बनाए, मेरा मतलब ढेर सारे, ताकि हम इस आइलैंड को और भी बड़ा और खूबसूरत बना सकें। यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री फुल हो चुकी थी तो हमने थोड़ा सा सामान इस चेस्ट में रख दिया। आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि अब हम क्या बनाने वाले। तो चलो उस चीज को हम लोग यहाँ अभी बनाते हैं। यहाँ पर रात भी हो चुकी थी तो हम सो गए। जैसे ही सुबह हुई तो हम फिर से ये काम करने चले गए। हमने इसे ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर हम रिकॉर्ड करना भूल गए लेकिन ये सब हमने बना लिया था।
हमें जैसे ही लावा मिला तो हमने ये कोबल स्टोन जनरेटर बनाया। उसके बाद यहाँ पर एक चेस्ट भी रखी ताकि हम जो कोबल स्टोन कलेक्ट करें उसे इस चेस्ट में रखें। और ये हमें चेस्ट पूरी भरनी थी, हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करना भूल गए थे, बीच में हम एक बार मर भी गए थे। फाइनली यहाँ पर डे 21 आ चुका था और यहाँ पर हमारे पास फुल चेस्ट आ चुकी थी स्टोन से भरी हुई। यहाँ पर एक ट्रेडर भी स्पॉन हुआ था जो कि कुछ खास ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, तो हमने इसे नीचे फेंक दिया और यहाँ से हमें एक लीड मिल चुकी थी और उसके लामा को भी हमने मार दिया। मारने ही वाले हैं, बस मर गया। और यहाँ पर एक घोड़ा भी स्पॉन हुआ था इस वर्जन में, ये जो कि कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा था। ये एक गेम है जिसका नाम है क्राफ्ट मैन, हम वहीं खेल रहे थे। माइनक्राफ्ट तो प्योर नहीं है लेकिन हाँ क्राफ्ट मैन इस गेम का नाम है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टोन उठाया क्योंकि दूसरी साइड पर भी हमें ऐसा बनाना था और इसे भी कंप्लीट करना था। हमने यहाँ पर स्लैब्स बनाए, फिर से वही सेम काम करने लग गया, लेकिन रात हो चुकी थी तो हम चले गए सोने के लिए। फाइनली डे 22 आ चुका था और हमें इसे कंप्लीट भी करना था, तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम था, तो अब हम इसे जल्दी से कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। ये था डे 30। दो साइड्स कंप्लीट हो चुकी थी, बाकी दो साइड्स बची थी जिनको हम अगले कंप्लीट करेंगे। तब तक आप ये दो एपिक बैटल एंजॉय कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमने के साथ 30 दिनों में ये वन ब्लॉग बना दिया था, पहले कैसा था। बाय बाय।